अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, टाइम्स 24 न्यूज़ में आपका खैर मकदम है। आइए तफसीलात पर नज़र डालते हैं। इनका पॉजिटिव केसेस बढ़ता जा रहा है, तो इसके वजह से पब्लिक भी हम लोगों को इन सबको मशवरा दे रहे हैं कि ये लोग बाहर नहीं आना। कितना भी बोलने के बावजूद भी पब्लिक इतना बिना वजह बाहर आके लोग घूम रहे हैं, ज़्यादातर व्हीकल्स पे दिख रहे हैं। आज इनका जो संख्या है रोड पे आने का थोड़ा बढ़ गया। आज कल से हम लोग स्ट्रिक्ट एक्शन लेने वाले हैं, पूरे जितने भी लेन्स है बाई लेन्स है सब बंद करने वाले हैं। इसमें हम सब पब्लिक की कोऑपरेशन मांग रहे हैं अभी, क्योंकि अभी पाबंद नहीं करे तो ये जो डिजीज़ है ये और स्प्रेड होता जाएगा। इसके वजह से हम लोग कल से एकदम 100% लॉकडाउन इम्प्लीमेंटेशन का पूरा सख्त मतलब एक्शन लेने वाले हैं। पूरे जितने भी लेन्स है बाई लेन्स है, अब बिना वजह के जो भी गाड़ियां रोड पे आ रहे हैं, कल से एक हफ्ते तक पूरा हम लोग ये 100% लॉकडाउन का इम्प्लीमेंटेशन करने वाले हैं। कोई गाड़ी अगर से रोड पे दिखेगा तो सीज करेंगे, कोई अगर से आदमी बिना वजह रोड पे जाएगा तो उसको डिटेन करके उसको क्वारंटाइन सेंटर को भी जाएंगे। क्योंकि ये जो आदमी लोग जो बिना वजह रोड पे घूम रहे हैं, ये लोग वजह है ये जो कोरोना वायरस है ये स्प्रेड होने का। तो सब लोगों का हमारा यही गुजारिश है कि कोई भी घर से बाहर ना निकले, कितना कम से कम हो सके मेडिकल इमरजेंसी, प्रेग्नेंट लेडीज़ यानी तो डेथ है, तो ये तीन इम्पॉर्टेंट जो ओकेशन है इसके वजह से बाहर निकलना। बिना वजह अगर से कोई आदमी रोड पे निकलेगा तो कल से उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई किया जाएगा, और जो भी गाड़ी रोड पे बिना वजह निकलेगा तो 100% उसको सीज करेंगे। तो पूरा ये लॉकडाउन होने के बाद अभी गए बाहर तो एक हफ्ते के लिए खरीदना तरकारी, तो रोज़ जाके एक बार जाके चावल, एक बार दुकान को जाके फिर दाल, फिर जाके तरकारी, चार पाँच बार घर से निकलने की क्या ज़रूरत है? इस तरह नहीं करना। अगर से आदमी कोई निकल रहा है एक ही आदमी घर से निकलना, घर में 4-5 लोग हैं तो एक आदमी बाहर जाना, दुकान जाके तरकारी खरीद के लेके आना, बाहर जाके किराना दुकान को गए तो सामान लेके आना एक ही आदमी, तो एक ही बार गए जब पूरे खत्म करके आना काम, बार बार नहीं निकलना घर से। उसके वजह से रोड में जो संख्या अपने को दिखता गाड़ियों का या ना तो आदमी का, ये बहुत ज़्यादा हो रहा, तो इसके खिलाफ हम लोग आज पूरा सख्त इनसे पेश आएंगे। कल से 100% इनका लॉकडाउन इम्प्लीमेंटेशन होगा, और जो भी गाड़ी दिखेगा रोड पे सीज होगा, और जो भी आदमी बिना वजह यहाँ पे रोड पे दिखेगा उनको क्वारंटाइन सेंटर भी जाएंगे। हाँ, मिनिस्टर साहब भी अभी यहाँ पे मल्लेपल्ली और थोड़े एरियाज विजिट करे साहब, तो वो भी देख के आदमी ये लोग व्हीकल्स और ये भी इनका मतलब हद से ज़्यादा ही रोड पे घूम रहे हैं लोग, तो ये देखने में किसी को भी अच्छा नहीं लगता। जब 100% लॉकडाउन इम्प्लीमेंटेशन करना है तो आदमियों को रोड पे नहीं घूमना चाहिए, तो फिर पुलिस वाले सख्त पेश आएंगे, तो फिर बोल रहे हैं कि पुलिस वाले बिना वजह मार रहे, ये कर रहे, रोक रहे करके। लेकिन अगर से इम्प्लीमेंटेशन करना है तो पब्लिक का सपोर्ट रहना ज़रूरी है, तो हमारा रिक्वेस्ट यही है कि पब्लिक सपोर्ट करें। मिनिस्टर साहब भी वही बोले कि पुलिस को एक्शन लेना चाहिए, कि अगर से कहीं वायलेशन है तो हम ज़रूर, वायलेशन अगर कहीं भी दिखाई देगा तो एक्शन लेंगे। थैंक यू सर।